प्लीज सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए हैं तो बिल्कुल अनसुनी ना करें, क्योंकि इसमें हर तरह के वीडियो उपलब्ध हैं और घंटी दबाने ना भूलें। अगर भूल गए तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लास 10th 12th बीए बीएससी आईएससी न्यू कॉमेडी न्यूज हर तरह के वीडियो उपलब्ध हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में मोस्ट डेंजरस कोचिंग का अहम इंटर के छात्रों से कुछ पूछताछ किया जा रहा है कि तैयारी किस तरह का है, तैयारी किस तरह का नहीं है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने ना भूले, क्योंकि कोई भी वीडियो जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार, पापा का नाम क्या है? लक्ष्मण मालाकर। लक्ष्मण मालाकर, घर कहाँ हुआ? बुधवरिया। बुधवरिया, यहाँ पर लगभग कितने महीना से पढ़ाई पढ़ रहा है? छह सात महीना से पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है। तुम क्या यहाँ से मैट्रिक पास किया था या कहीं और से? यहीं से मैट्रिक भी पास किया था, ठीक है। कितना अंक लाया था? 300। पूरा पूरी ये लड़का 300 नंबर लाया था, ये लड़का और एक लड़की थी ये कोचिंग से, पूरा 300 अंक लाया था, ठीक है। तो चलो, दोनों का सेम अंक आया था। तो तुमको बताना है, तुम इस बार इंटर में है, ठीक है। इंटर में जो तुम गया है, क्या सोच के गया है कि यानी कितना अंक आ जाना चाहिए? ए प्लस अंक आ जाना चाहिए। तैयारी किस तरह की है? कोई विषय में यानी तैयारी कुछ कमी रह चुका है मेरा तरफ से? तुम्हारा तरफ से कहीं परेशानी हो चुका है? कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो तुमको बताना है, ये ओएमआर शीट जो भराया गया है, ठीक है, तो कितने दिनों से प्रैक्टिस करा रहे हैं? छह सात दिन से डेली अंत में जो छुट्टी देते हैं उसके बाद इसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का परेशानी ना हो। पहला दिन जो कुछ गलत कर दिया है, क्या आज कहीं गलत हुआ है? आज कहीं भी गलत तो दिखाई नहीं दे रहा है, और किसी तरह का जो ओएमआर जो दिखाई दे रहा है इसी पर प्रैक्टिस कराया गया इसलिए ताकि कल गलती ना हो। कारण है क्या? ये कंप्यूटर द्वारा सहा जाता है ओएमआर, ठीक है। तो इससे कुछ तुमको तो बता दिया है कि इस कोचिंग में बहुत दिनों से पढ़ रहा है, तो तुम भी बोल दिया कि तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। तो क्या इससे कुछ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूरी तरह से है कहीं से भी? तो मनोविज्ञान किस विषय से मिश्रित है? इतिहास से, भूगोल से, दर्शन शास्त्र से या समाज शास्त्र? दर्शन शास्त्र। भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब शुरू किया गया? 1916 ईस्वी में, यानी दू का सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। आंख में पटलों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3, 5? 4। एसटीएम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दीर्घकालिक स्मृति से, मध्यकालिक स्मृति से, अल्पकालिक स्मृति से? अल्पकालिक स्मृति से। चलो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगभग ये लड़का सही जवाब दे रहा है क्या? चलो, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और लाइक करने, सब्सक्राइब करने